माई डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टूडे वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सरसाइज, हियर सम एक्सरसाइज। इसमें ऐसा है, पहले एक्सरसाइज का पार्ट जो है, पार्ट वन, इसमें क्वेश्चन वन से लेकर फोर तक जो है करा दिए मैंने। अब ये पार्ट टू, एक्सरसाइज पार्ट टू है। इसमें क्वेश्चन फोर के बाद में क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फोर तो कर लिया होगा आपने सभी ने, और क्वेश्चन फिफ्थ से करना शुरू करेंगे। आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ। व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, इसका हम कंजर्वेशन क्यों करते हैं, संरक्षण क्यों करना चाहिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। व्हाई एंड सी, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल्स। आउट, कुछ ट्राइबल्स हैं, जनजातियां हैं, वो फॉरेस्ट पर, जंगल फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं। कैसे? नेक्स्ट डी, व्हाट आर द काजेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। व्हाट इज रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म माइग्रेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई द टर्म माइग्रेशन। तो क्वेश्चन फाइव, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ये इसके पार्ट हैं। अब एक एक करके हम इनको जो है समझेंगे अच्छी तरह से। तो फोर्थ भी है इसमें, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल्स। तो इसमें ये क्वेश्चन फाइव जो हो गया ए बी सी डी से लेकर के, तो इसमें हम जो है आंसर लेंगे पहले फाइव ए। क्वेश्चन फाइव देखेंगे, अंडरस्टैंड। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमको बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व करनी चाहिए, हमको बायोडाइवर्सिटीज कंजर्व करनी चाहिए। क्यों? टू मेंटेन द फूड चेन, द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन मे अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। देखिए, फूड चेन का मतलब है एक दूसरे का जो ईटअप करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह है, इंसेक्ट को जो है बड़े, जैसे फ्रॉग या और ये ईटअप करते हैं, तो फूड चेन में एक दूसरे को भोजन, एक दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं। यदि मान लीजिए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं करेंगे तो फूड चेन बिगड़ जाएगी, और फूड चेन जो बिगड़ने से, डिस्टर्बेंस होने से, पूरा ही पारतंत्र, इकोसिस्टम, एक दूसरे जो फूड सप्लाई होती है, एनर्जी सप्लाई होती है, वो बिगड़ जाएगी। इसलिए हमको जो है बायोडाइवर्सिटी जो है का कंजर्व करना चाहिए। फाइव बी, सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाई पोचर्स इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एरिया, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। अब दी कैप्चरिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स होती, पोचर्स वन शिकार, जो शिकारी होते हैं, जो चोरी से शिकार करते हैं, 2000 काल द पोचर्स। और ये इस प्रकार से एक अनकंट्रोल्ड, रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड जो प्रथा है, ये शिकारियों द्वारा जो है कैप्चरिंग कर जाना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरियाज, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। अब इस प्रकार से चोरी छिपे शिकार करना, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, इसमें शिकार करना, हंटिंग करना, उनकी किलिंग करना, ये सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो है, इस प्रकार से हंटिंग करना, किलिंग करना, ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है। क्वेश्चन फाइव सी, सम ट्राइबल्स जो हैं वो किस प्रकार से डिपेंड रहती हैं। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा।
कुछ ट्राइबल्स जो हैं, जो कि जंगल में रहती हैं, जंगल के आस पड़ोस में रहती हैं, नेबरिंग रहती हैं, तो वो अपनी जो फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड वगैरह है, जो जंगलों से वो फॉरेस्ट से फ्रूट वगैरह लेते हैं, और भी बहुत सारे मसाले वगैरह और ईंधन के लिए लकड़ी वगैरह वो जो उससे प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार से ये उसकी जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर और आवासीय अवस्था वो व्यवस्था वगैरह, ये सभी जो है जंगल द्वारा उनकी जो है पूरी होती है, यहाँ पर फॉरेस्ट द्वारा उनकी आपूर्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से ट्राइबल्स जो हैं वो ये ट्राइब से डिपेंड हैं ऑन जंगल। 5D, द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मे बी द फॉलोइंग। अब काजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन काजेज क्या है, द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन द कटिंग ऑफ ट्रीज, नेचुरल काजेज लाइक फॉरेस्ट फायर ड्रॉट्स। एक तो नेचुरल काज जैसे कि फॉरेस्ट फायर, कहीं जंगल में आग लग जाती है तो आग लगने से भी मतलब जो है एक डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ कहीं सूखा पड़ जाती है तो सूखा पड़ने से जब उनको वाटर नहीं मिलेगा तो ये जो है एक डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल ख़त्म हो जाएगा। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, अब ये जैसे फॉरेस्ट है इसमें बिल्डिंग फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनाते हैं तो हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं, और हाउसेस, हाउसेस बनाते हैं तो फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं। इस प्रकार से ये डिफॉरेस्टेशन इसका कारण है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, और उपजाऊपन मतलब जो भूमि है कल्टीवेट करते हैं हम, कृषि करते हैं तो कृषि के लिए ज़मीन लेना, लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो इसके लिए भी हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जैसे पहले जंगल हैं वहाँ पर मतलब उनको काट डाल काटने कटिंग करने से, कटिंग करने के बाद उसको फिर फील्ड खेत बना लेते हैं और उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो इस प्रकार से दीज आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ये जो है डिफॉरेस्टेशन के काज हैं। नेक्स्ट है 5D, और इसमें कुछ और रीजन जैसे मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल्स, इसमें मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाते हैं इसके लिए भी जो है फॉरेस्ट में ट्रीज की कटिंग होती है, एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल्स, और लकड़ी का यूज करना ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इसका यूज करना, इससे भी जो है कटिंग ट्रीज की होती है। अब इसके डिफॉरेस्टेशन, दी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां प्रॉब्लम से क्रिएट हो सकती हैं। नंबर 1, नेचुरल कॉमिटीज लाइक फ्लूड्स एटसेट्रा, तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि फ्लूड्स, बाढ़ आना आदि जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एज ग्लोबल वार्मिंग, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, तो ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि जब CO2 बढ़ेगी, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो CO2 इंक्रीज होगी, और CO2 जब एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है तो इट इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है CO2 की कि वो उसके पार्टिकल जो है हीट हो जाते हैं और जिससे हॉटनेस एटमोसफेयर में प्रोड्यूस होती है, इट इज़ ए ग्लोबल वार्मिंग। चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और सॉइल की चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना, तो इस प्रकार से सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती, क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे उसके बाद में वहाँ पर जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 4th 5th, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फना, तो मैनी फ्लोरा एंड फना ये जो है इनका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, मैनी फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा जानते हैं, फ्लोरा जो है ये फ्लावर से संबंधित है, मतलब प्लांट्स जो वनस्पति जगत है वो, फ्लोरा एंड फौना जो है वो जंतु जगत, ये भी मतलब जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट है आंसर 5E, इसमें व्हाट इज रेड डाटा बुक, इसके बारे में बताया गया, रेड डाटा बुक क्या है, तो ये इट इज़ रेड डाटा बुक इज ए सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
तो रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स का एंडेंजर्ड जो जो खतरे में संकट में जो समाप्त होने वाले हैं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे टाइगर, लॉयन, ये सभी जो है। नेक्स्ट है 5F, माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेस मीन्स प्रवास। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड इन ए ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसमें यह है कि जो माइग्रेशन है इसमें स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को, मतलब अपने जो वो अपने हैबिटेट में रह रहे हैं उसमें कुछ सर्टेन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, कंडीशंस होती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो उनमें चेंज होने से ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र होते हैं जाते हैं। जैसे बहुत चिड़ियाँ जो है ये साइबेरिया वगैरह से, जहाँ के कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट अधिक कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ का पानी जो है फ्रीजिंग होने लगता है, और वहाँ से ये जब सभी बर्ड्स जो हैं वहाँ से फ्लाई करते हैं, और फ्लाई करते करके एक प्रॉपर प्लेस पर, जैसे कि इंडिया वगैरह में आते हैं बहुत से साइबेरियन पक्षी मिलते हैं, तो ये माइग्रेशन, तो माइग्रेशन करके मतलब जो ये आते हैं, और इसके इनको ये भी कि ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ ब्रीडिंग के लिए भी आते हैं और नई इनके मतलब बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये माइग्रेशन प्रवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। इन ऑर्डर टू मीट द ओवर इंक्रीजिंग डिमांड, इन ऑर्डर टू मीट द ओवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूली कट। इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। अब इसमें एक ब्रीफ रिपोर्ट में तैयार करनी है जो डिमांड है फैक्ट्रीज की या शेल्टर के लिए, इसमें लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक। तो क्या ये पेड़ काटना इस प्रकार से ट्रीज कट करना ये जस्टिफाइड है? तो इसमें एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो ये वास्तव में जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि पेड़ काटे जाने से फिर बहुत से नेचुरल कैमिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आंसर, इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल अवर नीड्स। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ, ट्रीज जो है ये अर्थ के लंग्स कहलाते हैं, फेफड़े कहलाते हैं। दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। और इस प्रकार से जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत से एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इनके जो है हैबिटेट हैं, आवास हैं, उनका ये घर है। और क्या ट्रीज करते हैं? दे गिव अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, एंड मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस एज वेल। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो है नेचर में बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन उसको रिलीज करते हैं। इस प्रकार से ये वातावरण शुद्ध होता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक नहीं बढ़ पाती है। दी फॉर्मली वाइंड द सॉइल एंड हैंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और वो उनकी जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को बांधे रखती हैं। इस प्रकार से जो सॉइल इरोजन मिट्टी का कटान जो होता है उसको भी प्रिवेंट करती हैं, रोक लगाती है इसमें। दे हेल्प कंजर्व अवर रिच बायोडाइवर्सिटी, और वो रिच बायोडाइवर्सिटी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसको भी संरक्षण करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट में वेरियस टाइप्स एनिमल्स प्लांट्स होते हैं, तो इस प्रकार से ये फॉरेस्ट रिच बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट, मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज काज सॉइल इरोजन फ्लूड्स
सॉइल इरोजन, फ्लूड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एटसेट्रा, हैंज ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो इस प्रकार से कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज करने से सॉइल इरोजन होता है, फ्लूड्स पड़ती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, तो इन सब से बचने के लिए हमें जो है ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, पेड़ों का जो है बचाव करना चाहिए, पेड़ों की कटिंग जो है नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेन ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकलिटी, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। अब किस प्रकार से हम अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने नेबरिंग में ग्रीन वेल्थ को बनाएं, क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वाई टेकिंग अप द फॉलोइंग एक्शंस आई कैन कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकलिटी वाई। अब कुछ एक्शंस हैं जिनके द्वारा हम जो है ये ग्रीन वेल्थ को मेंटेनेंस करने में सहयोग कर सकते हैं। क्या क्या एक्शन करने हैं? नंबर वन, प्लांटिंग सेपलिंग एंड ट्रीज। सेपलिंग मीन्स मतलब पौधा रोपण है, और ट्रीज इनका जो हम जो है प्लांटिंग करें, लगाएं और उनको मतलब जो वाटर वगैरह दें, उनका संरक्षण करें, इस प्रकार से हम जो है एक सहयोग कर सकते हैं। सेकंड है नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, और जो गार्बेज है उसको हम स्ट्रीट वगैरह पर न फेंकें, नीट एंड क्लीन रखें स्ट्रीट को। फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, और दूसरों को भी जो पेड़ों को काटते हैं उन दूसरों को भी मना करें, फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, और लोगों को हम जो है जागरूक करें, महत्व तो बताएं कि ग्रीन एनवायरनमेंट नीट मतलब क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, जागरूक करें। फिफ्थ, वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम, और हम जो है इसकी वाटरिंग करें रेगुलरली और टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम, पेड़ों का जो है उनकी सुरक्षा करें, वाटरिंग करें। इस प्रकार से रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर, और हम जो पेपर है उसको रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें, और जिससे कि हम ट्रीज को बचा सकते हैं, एनर्जी और वाटर इसको जो है बचा सकते हैं। इस प्रकार से ये अब ये कुछ टाइम अधिक हो रहा है ड्यूरेशन इसके वीडियो की, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अगले क्वेश्चंस करेंगे।